हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं आराध्य साक्षी के साथ। तो दोस्तों, आज की जो ओपनिंग है ना, बहुत ही बम्पर रहने वाली है। ये ओपनिंग आ रही है रिलायंस रिटेल की तरफ से। तो यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना एंड इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहां पे आप डीएम कर सकते हो हमें, कुछ भी क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एनी पोजीशन, एनी वैकेंसी और एनीथिंग। तो यार चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यार ये जो वैकेंसी है वो आ रही है रिलायंस रिटेल की तरफ से। यार रिलायंस रिटेल तो यार बहुत ही बड़ी कंपनी है, ऑब्वियसली आपको सबको पता ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, आप ये काम कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते कि प्रोफाइल कैसी चाहिए। तो पहली बात तो आपका 10th पास हो जाना चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तीसरी बात, यहाँ पे आपको इंग्लिश जो है इतनी अच्छी नहीं रही, फिर भी चलेगा, बस आपको पढ़ना आना चाहिए और अंडरस्टैंड करते आना चाहिए। आपको कोई बोलना नहीं है यहाँ पे इंग्लिश, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा जस्ट आपको वो रीड करना आना चाहिए और वो समझना चाहिए जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत एडवांटेज है इस जॉब का कि आपको कोई बोलना नहीं है किसी के साथ इंग्लिश में। तो शुड हैव कंप्लीटेड सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन। तो यार अभी तो वैक्सीनेशन का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ये है, तो ऑब्वियसली सेकंड डोज को आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। तो और जो नाइट शिफ्ट है एंड ट्रेवलिंग, उसके लिए आप कंफर्टेबल रहने चाहिए दोस्तों, ये इनका एक कहना है। तो अब बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो रोल्स क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, क्या क्या चीजें करनी रहेगी आपको, ये सारी चीजें अभी आपको पता चलने वाली है। तो कंडक्टिंग स्टॉक टेक एट ऑल द स्टोर्स ऑफ रिलायंस रिलेटेड, तो आपको स्टॉक जो है वो सारे रिलायंस से लेना पड़ेगा। इन एडिशन टू स्टॉक टेक, द एसोसिएट विल बी एंगेज इन मैपिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो जो भी मैपिंग रहती, वेरिफिकेशन रहता, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना, देखना उनको कि हाँ भाई ये स्टॉक का, ये एसेट का, ये सारी कंपनी के जो एसेट्स है उसका लेन देन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि यार अभी भी आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे क्या करना रहेगा, तो आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको सारी ट्रेनिंग मिल जाएंगी और सारा चीजें आपको बताई दी जाएगी करना क्या होगा आपको रियल में। ठीक है, एंश्योर्स कंप्लायंस विद द एस्टैब्लिश इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस बाय एग्जामिंस रिकॉर्ड रिपोर्ट ऑपरेटिंग प्रैक्टिस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो बेसिकली जो भी रिपोर्ट्स रहती है, इनके रिकॉर्ड्स रहते हैं, उनके कंप्लायंस करना पड़ेगा, उनको बराबर अपने हिसाब से इंटरनल कंट्रोल में एस्टैब्लिश करना रहेगा। फिर उसके रहता है वेरीफाइज इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग RM एंड फिनिश गुड। तो ये चीजें आपको नहीं पता होगा ऑब्वियसली, RM क्या है, फिनिश गुड क्या रहता है, ये सारी चीजें आपको वहां पे बता दी जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रोल बहुत सिंपल है, आपको डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना पड़ता है कस्टमर सपोर्ट की, जैसे यहाँ पे रोल रहेगा। आपको यहाँ पे जो भी कस्टमर के साथ न्यू पॉलिसीज प्रोसेस आती है तो वो शेयर करनी रहेगी, बताना पड़ेगा उनको कि ऐसी ऐसी पॉलिसीज है, इसका ये एडवांटेज है। और जो भी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो वेरीफाई करना पड़ेगा, जो स्टॉक्स रिलेटेड, एसेट्स रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको वेरीफाई करना पड़ेगा एंड क्लियर करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल काम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वैकेंसी है अभी अभी आई हुई है, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे नियरेस्ट लोकेशन गुवाहाटी, कोलकाता, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, सिकंदराबाद के आसपास हो, या फिर आप दूर से भी, तो कोई टेंशन नहीं दोस्तों, आप रेडी टू रिलोकेट हो तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना, यहाँ पे आप रजिस्टर टू अप्लाई या फिर लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसकी जो लिंक है, पर्टिकुलर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और जितना ज्यादा जल्दी हो सके अप्लाई कर देना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर लव विद अस। So, have a nice day.